बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र करम इस उम्मत पर आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था वजीफ़ों से रिलेटेड, उसी के आगे की जर्नी मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपने लाइफ के बारे में कुछ बताऊँगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ वही डिस्कस करूँगी जो खुद मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस किया है और सब कुछ जो मैंने खुद आज़माया है। और जब मुझे ये लगता था ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अल्लाह सुबहाना व ताला ने कैसे मेरी मदद की। सो इसी के साथ जो है मैं आप लोग के साथ अपनी स्टोरी जिक्र करना चाहूँगी। तो आज से ये काफ़ी पहले की बात है जब मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ मुझे अस्तगफार के बारे में नॉलेज थी, 5 टाइम्स की नमाज़ों के बारे में नॉलेज थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि अल्लाह सुबहाना व ताला जो है वो सबको आज़माते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरी भी आजमाइश जो थी वो काफ़ी सालों से चल रही थी। और फिर जब इंसान थक जाता है बहुत ज़्यादा और उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो वजीफ़ों की तरफ जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जो था वो वजीफ़ों की तरफ भागना शुरू किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है जो शायद मैंने नहीं किया हो। मैंने सारे वजीफ़े जो थे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए करके देखे। कभी मैं एक वजीफ़ा करती, कभी मैं दूसरा करती। मैं सोचती थी मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, पता नहीं मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ तो मेरी तहज्जुद की भी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे वजीफ़े भी असर नहीं करते, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट जो था वो किसी भी चीज़ का नहीं मिल रहा था। देखिए, हम इंसान हैं और हम ना मायूस हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें अल्लाह सुबहाना व ताला के साथ जो है वो कनेक्शन को कैसे बनाना है और अल्लाह सुबहाना व ताला से किस तरह से जुड़ना है। तो उस टाइम पे मुझे भी कुछ नहीं पता था। फिर ऐसा हुआ करते करते 1.5 ईयर जो था मेरा कम्प्लीटली वो गुजर गया और मैंने सारे ही वजीफ़े कर लिए। कोई भी मुझे जो था कुछ खास उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, जबकि मैं अस्तगफार और सलातुल तौबा पढ़ती थी। उससे मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए थे, काफ़ी मिरेकल्स भी हुए थे, लेकिन बात वही है कि उस टाइम पर मुझे वो चेंजेस भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा क्योंकि डिप्रेशन में थी, एनजाइटी में थी, कुछ समझ में नहीं आता था। जब 1.5 ईयर्स गुजर गए, सारे वजीफ़े करके देख लिए, तो मुझे एक दिन ये रियलाइज़ हुआ कि इस सब में ना मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन भी हो गई है और मुझे कहीं से जो है ना वो सुकून नहीं मिल रहा, वो चैन नहीं मिल रहा, जो एक इंसान को ना एकदम फीलिंग आती है ना अंदर से कि वो बस मुतमईन हो गया, वो वाला सुकून कहीं पर भी नहीं मिलता था। और मैं बिल्कुल ना हार गई थी, बिल्कुल थक गई थी। ऐसा लगता था कि अल्लाह जो है ना मेरी दुआओं को सुनता ही नहीं। माशाल्लाह से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो नमाजी हैं और मेरी अम्मी जो है माशाल्लाह वो तहज्जुद भी पढ़ती थी। तो मेरी अम्मी मुझसे हमेशा ये कहती थी कि तहज्जुद में जो है वो दुआएं कबूल होती है, और वो मुझे भी पता था कि तहज्जुद में दुआ कबूल होती है, मैं आपको कभी और बताऊँगी। तो लेकिन उस टाइम पर ना कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनका ना हम किसी से जिक्र कर सकते हैं और ना ही हम जो मतलब हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो है ना ये डिज़ायर जो है ना बस ये पूरी हो जाए। तो वही कुछ सिचुएशन मेरे साथ भी थी। मेरी मम्मी ने और मेरे कुछ खास लोग हैं बड़े जिन्होंने मुझसे कहा कि वजीफ़े जो हैं वो नहीं करने चाहिए, स्पेशली अनमैरिड गर्ल को, इससे जो है वो रुझत होती है। वजीफ़ों की बहुत सारी शर्त होती हैं, किसी की आप मुरीदगी में रहकर जो है कोई आपका टीचर हो आपको गाइड करने वाला, तब आप अमल को करें वरना आप अमल को नहीं करें। लेकिन उस टाइम पे मैं ये चीज़ें नहीं समझती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। फिर वक्त गुजरता गया, खुद अल्लाह सुबहाना व ताला जो थे वो मेरे लिए रास्ते बना रहे थे। फिर एक दिन ना मैंने अपने सर को देखा कि वो उठते बैठते कहते थे अल्लाह अकबर, और जब भी वो खाली बैठे होते थे वो पढ़ते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने उनको बोला कि आप ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो आपको इसकी कुछ कमाल जो है वो मिले। तो वो बोले कि आज मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ना, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती, उनकी बहुत अच्छी माशाल्लाह से पोजीशन थी और बहुत इज्जत थी और एक बहुत मतलब अच्छी जो फील्ड होती है ना वो थी उनकी, और बहुत सक्सेस भी थे। तो बोले ये सब अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। तो मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह तो मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ना अस्तगफिरुल्लाह के फ़ायदे जो हैं वो नज़र नहीं आते, मतलब ऐसा लगता है कि ना मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा घूर के देखा और मुझसे कहा कि कहीं ना कहीं जो है ना वो आप गलती कर रही हैं, आप मिस्टेक कर रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े कोई और उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते थे तो इस वजह से बस हमारी इतनी सी ही बात हुई। फिर उसके बाद मैं अपने जो वर्क था वो उसमें लग गई।
फिर उसके बाद मेरी रेगुलर रूटीन जैसी लाइफ की थी वैसे चल रही थी। वजीफे करना मैंने जब भी नहीं छोड़ा था। फिर एक दिन ना मेरी लाइफ में जो था ना बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन आ गई और मेरी प्रॉब्लम्स जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और बिल्कुल जो था ना मैं बिल्कुल टूट के रह गई और मुझे कुछ भी जो था ना वो समझ में नहीं आ। उसके बाद ना ऐसा हुआ कि फिर मैं जैसे आप लोग करते हैं कभी किसी के पास जा रही हूँ ये वाला अमल बता दें अल्लाह सुबहाना वताला बचे। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1% मेरे साथ जो था वो उस टाइम पे नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। जब मैं बिल्कुल अकेली हुई मैंने उस टाइम पर भी ना हिम्मत नहीं हारी। मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था, मेरे जहन में ना ये चीज़ चल रही थी कि अल्लाह सुबहाना वताला से जो है ना मैं दुआ करती रहूँगी और अल्लाह सुबहाना वताला को जो है ना मैं राज़ी करती रहूँगी। अल्लाह सुबहाना वताला जो है ना वो मुझे ज़रूर अजर देंगे, चाहे इस दुनिया में दें या फिर मुझे आखिरत में दें, लेकिन अल्लाह ने जो है ना वो मुझे अजर ज़रूर देना है। ये चीज़ ना मेरे जहन में बस एक ही ये थाट चलता था और मैंने ये चीज़ सोचकर जो था ना अपनी नमाज़ों को नहीं छोड़ा, अपनी दुआओं को मांगना नहीं छोड़ा और जो हिम्मत जो थी ना वो निहारी सबके छोड़ने के बावजूद भी। कुछ आंसू जो हैं वो आंखों के बाहर गिरते हैं और कुछ आंसू जो हैं वो दिल के अंदर गिरते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो वाली सिचुएशन थी मेरी। एक दिन तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद में बैठी हुई मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। वैसे मैं ज़्यादा फ़ोन जो था वो यूज़ नहीं करती थी बिल्कुल भी, लेकिन समटाइम्स जो था मैं वीडियोस वगैरह देख लिया करती थी। वो भी मैं अच्छी वीडियोस देखती थी, जैसे सूरह रहमान सुनती थी मैं फजर के बाद और रात को जो था मैं सोने से पहले सूरह अलम नशरा सूरह सजदा ये सुनती थी। अब मोबाइल स्क्रॉल करते 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 अब प्री की जो वीडियो थी वो मेरे सामने आई और उनके जो वर्ड्स थे ना मैंने वो सुने। तो उसमें एक लाइन थी कि आप दूसरों के लिए खुशियाँ बने, दूसरों के लिए रास्ते बनाएं, दूसरों के लिए मदद करें तो अल्लाह सुबहाना वताला आपके लिए रास्ते बनाएंगे, आपके लिए मदद करेंगे। इस लाइन ने जो था वो मेरे दिल पर सीधा अटैक किया, एकदम ना तीर की तरह ही मेरे दिल पर लगी। फिर उसके बाद कुछ अपकरी के जो वीडियोस थे उसमें वर्ड्स जो थे और उनके जो बताने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। देखते देखते अपकरी के वीडियोस मैंने बहुत सारी जो थी ना पूरे पूरे एक घंटे के जो उनके बयान थे ना वो माशाल्लाह से सारे जो थे वो मैंने सुनना शुरू कर दिए। और तहज्जुद में भी मैं दुआएं करती रहती थी लेकिन सुकून जो था ना एक जो बिल्कुल पीस होती है, एक अल्लाह सुबहाना वताला की मसलीहत जो समझ में आती है, एक चीज़ ना जो हमें दिल को एकदम तसल्ली देती है, वो चीज़ अभी भी नहीं थी मेरे साथ। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन ना मेरे पास कोई बुक रखी थी, मुझे बुक याद नहीं कि वो कौन सी थी। उसमें मैंने ये पढ़ा कि आप कोई भी अमल करें एक ही अमल को जो है वो फोकस के साथ करें, रोज़ रोज़ वजीफ़ों को चेंज नहीं करें और ज़्यादा वजीफ़े अपनी ज़िंदगी में नहीं करें, यह आपको जो है वो रुझत पैदा करते हैं और आपकी लाइफ में जो है और ब्लॉकेज पैदा करते हैं। और मैं समझ गई कि ये जो है ना ये अल्लाह सुबहाना वताला का साइन है। मैं हज़ारों वजीफ़े कर चुकी हूँ, अल्लाह सुबहाना वताला मुझे कुछ और सिखाना चाहते हैं, कुछ और समझाना चाहते हैं। तो मैंने अल्लाह सुबहाना वताला के साइन को जो था ना उस टाइम एक्सेप्ट किया और जो था मैंने फ़ाइनली ये डिसाइड किया तहज्जुद के वक्त में बैठ कर कि मैंने जो है ना आज से कभी कोई वजीफ़ा नहीं करना, कभी कोई अमल नहीं करना। और अपकरी के वीडियोस से मैंने माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद ना जब मैंने फ़ाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब तो वजीफ़े नहीं करने, अब कोई अमल नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो मेरी लाइफ में ना एक दावत इस्लामी के भाई हैं जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और दावत इस्लामी की बहुत सारी सिस्टर्स भी मेरे साथ में हैं जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन ना उस टाइम मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अल्लाह सुबहाना वताला के साइन को और अपनी दुआ की कबूलियत को समझ ही नहीं पा रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा ना क्रेज़ एक पागलपन जो था ना एक जुनून सवार था दिमाग में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद नहीं पता चला कि कब ऐसा हुआ कि मैंने जो था उन लोग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। फिर मुझे ना ये दिल में एहसास हुआ कि ज़्यादातर मसला जो मेरे साथ है वो मेरे गुनाहों का ही है जो मेरी दुआओं में जो है ना मुश्किल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुनाह करता है। फिर सीखते सीखते ना ये बात भी समझ में आई कि आप देखें कि बुजुर्गान दीन जो होते हैं ना माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा नेक होते हैं, उन लोग की लाइफ में ना गुनाहों का झूठ का किसी भी चीज़ का कोई काम नहीं है, वो
पूरी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ अल्लाह सुबहाना वताला की इबादत में, सजदों में और परहेजगारी में, तकवे में, तवक्कल में, इन सब में गुजार देते हैं। तो हम लोग के साथ तो ऐसा मसला नहीं है। हम लोग तो देखें म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम लोग जो हैं वो डांसिंग की तरफ भी होते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ गुनाहों में जो हैं वो मुबतला होते हैं। और ज़ुबान भी हर किसी की झूठ से जो है ना वो कभी ना कभी निकलता ही है ज़ुबान से झूठ। तो ये पॉइंट्स जब मेरी समझ में आए कि बुज़ुर्गान दीन जो हैं वो वजीफ़ों को करते थे, और उनके वजीफ़ों में तासीर किस लिए होती थी, क्योंकि माशाल्लाह वो बिल्कुल पाक और साफ़ थे, उनकी रूह बिल्कुल पाक और साफ़ थी। लेकिन नॉर्मल इंसान के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, चाहे उसमें मैं हूँ या आप लोग हों, हम सबका एक ही मसला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैंने जो था ना वो इतने सारे वजीफ़े किए अपनी ज़िंदगी में। सच बोल रही हूँ मैं आपसे, मैंने इस चीज़ के लिए अल्लाह से बहुत ज़्यादा तौबा की कि पता नहीं भैया मैंने हज़ारों वजीफ़े किए, कब मुझसे किस चीज़ की बेहुरमती हो गई हो, कब मैंने किस चीज़ को गलत पढ़ लिया हो, मुझे नहीं पता। और एक पॉइंट आपको और बताऊँ कि वजीफ़े जो है ना वो हर किसी के जेन्युइन नहीं होते हैं। अब करी के तो माशाल्लाह उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन हर चैनल के जो है ना वो वजीफ़े जेन्युइन नहीं होते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ बुक से देखकर जो है ना वो वजीफ़ा शेयर कर देते हैं, उसके बाद किसी को रुझत हो या उसकी लाइफ उसका कुछ भी इफ़ेक्ट पड़े, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको सिर्फ अपने काम से काम है। जब ये सारे पॉइंट मुझे धीरे धीरे करके समझ में आना शुरू हुए, तो उसके बाद आप यकीन नहीं करें कि मैंने अपने आप को किस तरीके से चेंज किया। फिर मैंने पता है आपको क्या किया, फिर ना मैं अल्लाह के आगे इतना रोई, इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना रोई। मैंने कहा अल्लाह मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मुझसे तो बहुत ज़्यादा गलती हुई है, मैंने तो बहुत ज़्यादा झूठ बोले, मैंने तो बहुत कुछ गलत किया है, मुझे अपना एक एक गलती का एहसास हुआ, एक एक गुनाह याद आया। मैंने कहा अल्लाह पाक मैं तो वजीफ़े मुझे तो कभी करने ही नहीं चाहिए थे, और मुझे तो आपके नाम पर यकीन रखना चाहिए था, मुझे तो कुरान शरीफ की रोज़ तिलावत करनी चाहिए थी, मुझे तो अपनी नमाजों को बेहतरीन करना चाहिए, मेरी तो नमाजें भी बेहतरीन नहीं है। क्योंकि दावत इस्लामी में जब थे हम तो हमें ट्रेनिंग मिल रही थी ना, तो उस दौरान अब मुझे ये पता चला कि आज भी उम्मत मुस्लिम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गलत नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कुरान शरीफ जो है ना वो परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट कुरान शरीफ वो होता है जो तवजीद से पढ़ा गया हो, जिसका एक एक वर्ड जो है ना बहुत अच्छे से अदायगी हुई हुई हो। जब मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई ना, मैं इतना ज़्यादा रोई अल्लाह सुबहाना वताला के आगे, इतना ज़्यादा रोई। मैंने कहा अल्लाह मैं तो अपना दुनिया में आने का मकसद ही भूल गई थी कि मैं दुनिया में किस लिए आई थी, आपने हमें दुनिया में किस लिए भेजा। अल्लाह पाक कहते हैं ना, मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी हम्द सना बयान करने के लिए पैदा किया। जब मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई वहाँ से, जो था ना मेरी लाइफ बिल्कुल जो थी ना वो चेंज हो गई। मैंने उस दिन बिल्कुल स्ट्रांगली वाला ये डिसीज़न लिया कि अब जो है ना आपको गुनाह नहीं करने, अब जो है ना वो बस अल्लाह सुबहाना वताला के लिए जीना है। तो अब जो भी होगा ना वो अल्लाह सुबहाना वताला बेहतरीन ही करेंगे। मैंने अपने सारे मामले जो थे वो अल्लाह सुबहाना वताला के सपोर्ट कर दिए, अपनी सारी दुआएं अल्लाह सुबहाना वताला के सपोर्ट कर दी, और बस मैंने इस बात पर यकीन रखा कि अल्लाह सुबहाना वताला जो है ना मुझे दुनिया में, जो मैंने आपको पहले बताया, नहीं तो आखिरत में तो ज़रूर पक्का अजर देंगे, चाहे वो मुझे अब दुनिया में मिल जाए या आखिरत में मिल जाए। बस एक ये थॉट मेरे माइंड में चलता रहता था। फिर ना ऐसा हुआ कि मैंने जो था ना अपनी नमाजों को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी नमाजों की बार बार प्रैक्टिस की, एक एक बारीकी को उससे अपनी नमाज को ठीक किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत सारी नमाजें अपनी ज़िंदगी में कज़ा की हैं, उन नमाजों को अदा करना शुरू किया, कुरान शरीफ के रेगुलर मैंने तिलावत शुरू की। फिर उसके बाद जो था ना मैंने नफली नमाज़ें पढ़ना शुरू किया। सलातुल तौबा तो मैं बहुत पहले से पढ़ती थी, और सलातुल हाजत भी, लेकिन वो भी मेरी इतनी परफेक्ट नहीं थी, बस मैं पढ़ती थी। उनको मैंने बेहतरीन किया, बेहतरीन तरीके से अदायगी करना शुरू की। सिर्फ ये नहीं है कि हमने नमाज़ पढ़ ली वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी है, हमने बेहतरीन तरीके से नमाज़ पढ़नी है, सजदे को बेहतरीन तरीके से करना है। ये चीज़ें ना मैंने बिल्कुल बारीकी से ठीक करना शुरू की। और जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी ना, उस टाइम में किस कदर पेन में थी और किस कदर टूटी हुई थी ना, मैं आपको वर्ड्स में वो कभी नहीं बता सकती। मैं ये स्टोरी भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि शायद ना मेरी इस पास से ना किसी की जो है ना वो लाइफ चेंज हो जाए, जैसे कि अब तक हो रहा है, क्योंकि हम किसी ना किसी की लाइफ से वो कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हैं।
तो वो पेन ना मेरा सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला जानते हैं। और उस टाइम पे मैं सब कुछ खो चुकी थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला के अलावा। फिर ऐसा हुआ कि मैंने सलातुल तौबा सलातुल हाजत को दिन में दो दो बार भी पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब जैसे जुहर की नमाज के बाद भी पढ़ लेती थी, मगरिब के बाद भी पढ़ लेती थी, इशा के बाद भी पढ़ लेती थी। ऐसा नहीं था कि दिन में एक ही बार पढ़ती थी, जब मौका मिलता था मैं पढ़ लेती थी। और उस वक्त ना मेरी काउंटिंग बहुत कम होती थी अस्तगफार की, लेकिन काउंट करके और दिन भर हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते मैं अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ती रहती थी। उस टाइम मुझे दरूद शरीफ के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, तो बस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी, तीसरा कलमा भी कभी कभी मैं पढ़ लेती थी। फिर करते करते मैंने सूरह बकरा का आखिरी रुकू जो था वो हर नमाज के बाद दुआ से पहले पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह बकरा के आखिरी रुकू से भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत है वो, और उसके पढ़ने से भी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी दुआएँ जो हैं वो कबूल होती है। और जब कभी जैसे मैं फ्री हुई तो अल्लाह अल्लाह जो अल्लाह सुभान व तआला का नाम मुबारक है इसकी भी तस्बीह जो थी मैं वो जिक्र कर लिया करती थी, और सलातुल तस्बीह की नमाज भी फ्राइडे टू फ्राइडे, वरना 15 डेज़ में तो मैक्सिमम पढ़नी ही पढ़नी थी। फिर ये सारी चीज़ों में ना इतना ज़्यादा मैंने ख़ुद को बिज़ी कर लिया, इतना ज़्यादा बिज़ी कर लिया कि आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, देखने का बिल्कुल भी मैंने टाइम जो था वो खुद को नहीं दिया। बिल्कुल फुल ऑन जो था ना मैंने खुद को इतना बिज़ी कर लिया कि मुझे मौका ही नहीं मिले कि कौन क्या कह रहा है। और हाँ, हर वक्त जो था ना वो बहुत ज़्यादा दुआओं को मांगना स्टार्ट किया, तहज्जुद के वक्त में, अजानों के वक्त में, मतलब हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते दिल ही दिल में जो था ना वो दुआएँ करना शुरू कर दी। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, पता ही नहीं चला कि कहाँ डिप्रेशन गया, कहाँ एंजाइटी गई, और कैसे जो था वो लाइफ में चेंज आया, कुछ भी बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे देखते देखते लाइफ जो थी वो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गई, पॉजिटिविटी लाइफ में आने लगी, और नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग जो थे वो खुद ब खुद लाइफ से जो था वो रिमूव हो गए। फिर ऐसा हुआ कि जो बातें समझ में नहीं आती थी वो भी समझ में आने लगी। एक टाइम जो बातें ऐसी लगती थी कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था, वो सारी चीज़ें ऐसे 7 साल के बाद समझ में आई जाके, कि मतलब फिर पता चला कि हाँ, अल्लाह सुभान व तआला जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, और अल्लाह सुभान व तआला के प्लान्स जो होते हैं उनको हम कभी भी जो है वो नहीं समझ सकते। अल्लाह सुभान व तआला ने हमें एक मुख्तसर सी सोच दी है। एक जानवर को आप देखेंगे उसकी एक अलग सोच होगी, किसी और इंसान को आप देखेंगे उसकी एक अलग सोच होगी। हर किसी को अल्लाह सुभान व तआला ने जो है वो मुख्तलिफ सोचें दी हुई हैं, और हर किसी की जो पावर है, ताकत है आजमाइश की, वो भी अल्लाह सुभान व तआला ने अलग दी हुई है और अलग ही टाइमिंग रखी है। अल्लाह सुभान व तआला सूरह अलम नशरा में फरमाते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है, और अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि मैंने किसी को भी जो है उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाना है। फिर जो लगता था ना कि दुआओं के जवाब नहीं आते, अल्लाह सुभान व तआला दुआएँ नहीं सुनते, वो भी मुझे जो था ना वो पता चला कि अल्लाह सुभान व तआला जो है ना वो हर दुआ कबूल करते हैं, बस हम जो है ना वो अपनी दुआओं के पीछे इस कदर क्रेज़ी हो जाते हैं कि हम अल्लाह सुभान व तआला की मोहब्बत को, उनकी हिकमत को समझ ही नहीं पाते। और एक बात अगर आपको पॉइंट के बताऊँ ना, मैं आप लोग मेरी लाइफ में देखें कि जब तक मैं वजीफे कर रही थी, जब तक मेरे दिमाग में ना कोई कुछ भी, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था बिल्कुल, एक ना मेरे दिमाग में ना एक जुनून, एक क्रेज़ीनेस सवार थी। क्यों? क्योंकि वजीफ़ों में बहुत ज़्यादा पावर होती है, और एक नॉर्मल इंसान की जो कैपेसिटी होती है वो उस पावर को झेलने की नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर रूहानियत तो है नहीं, हम तो गुनाहों से भरे हुए हैं, तो गुनाहों का एक पुतला है, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, मैं ख़ुद एक बहुत गुनहगार हूँ। तो आप देखें कि मुझे वो चीज़ जो थी ना वो जब समझ में आई, जब मैंने अपनी लाइफ का एक एक फैसला अल्लाह सुबहाना वताला के सपोर्ट कर दिया, और बस मैंने ये सोचा कि अल्लाह सुबहाना वताला ने अब जैसे चलाना है मुझे वैसे ही मुझे चलते रहना है, जो अल्लाह की रज़ा है वही मेरी रज़ा है, और मैंने अपनी लाइफ को जो था ना वो अल्लाह सुबहाना वताला के लिए चेंज करना शुरू कर दिया, अपनी हर एक गलती को जो था ना वो मैंने दुरुस्त करना शुरू कर दिया। गुनाह और गलती सबसे होती है, लेकिन एक मिस्टेक को ना बार बार रिपीट नहीं करें, एक गलती को सिर्फ एक ही बार करें, फिर उस गलती को अपनी दुरुस्त करें जैसे ही आपको पता चले हाँ ये मैंने गलत किया और ये बहुत बड़ी एक गलती थी। और आप ये भी देखें कि मुझे उस टाइम पे ना दरूद शरीफ की भी नॉलेज नहीं थी,
तो उस टाइम में ना मुझे अल्लाह सुबहाना बताला की मसलियत भी समझ में आई और अस्तगफार की पावर भी समझ में आई। हम लोग ना इन जिक्रों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, जबकि अस्तगफार का अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में खुद फरमाया है कि अस्तगफार करने वाले को अल्लाह सुबहाना बताला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसको जो है बहुत बड़ी बड़ी नहमत मिलती है, रिस्क के दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं, उसकी नस्लों को बेहतरीन कर दिया जाता है। अल्लाह सुबहाना बताला कुरान शरीफ में खुद ये बात फरमा रहे हैं, तो इससे बढ़कर आपको क्या प्रूफ चाहिए। जब हम कुरान शरीफ को समझकर पढ़ेंगे ना तो हमें इन सारे सवालों के जो जवाब है ना वो कुरान शरीफ से मिल जाते हैं। कि मैं नहीं कह रही आपसे, अल्लाह सुबहाना वताला आपसे कह रहे हैं कि अस्तगफार पढ़ने वाले पर जो है अल्लाह सुबहाना वताला रिज़्क की दौलतों की बारिश कर देते हैं, और जब हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, हमारी रूह साफ़ होती है, अल्लाह सुबहाना वताला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं, और जब हमारी रूहानियत खुलती है, जब हमारी रूह की पाक होगी, हमारी रूह साफ़ होगी, उस टाइम पर हम जो अमल करते हैं वो अमल भी कबूल होता है, वो अमल भी मकबूल होता है। जब हम गुनाहों से बचते हैं, जब हम तकवा इख्तियार करते हैं, जब हम अल्लाह सुबहाना वताला की मोहब्बत को पाने की कोशिश करते हैं, जब हम दुनिया की मोहब्बत से निकलने की कोशिश करते हैं, और इस सब में सलातुल तौबा के नवाफिल का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ मुझे इतनी मोहब्बत है सलातुल तौबा के नवाफिल से, आप यकीन नहीं करेंगे। कुछ दुआएं तो माशाल्लाह से सलातुल तौबा के नवाफिल ही पढ़ने से मेरी कबूल हो गई है। तो अल्लाह सुबहाना वताला से कनेक्शन बनाने का ना अस्तगफार, दुरूद शरीफ, सलातुल तौबा और गुनाहों से दूर रहना, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ है। अगर कोई इंसान ये सब कुछ कर रहा है और उसकी ज़िंदगी में आजमाइश चल रही है तो वो सब्र करे, उसको जो है वो अजर ज़रूर दिया जाएगा। किसी किसी को जो है ना बहुत साल लग जाते हैं अजर के लिए। आपको यहाँ पर ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बता देती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो थी ना वो 40 साल में कबूल हुई थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो था वो शिकवा नहीं किया, जबकि उन पर तो वही आ जाती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सब्र किया कि 40 साल बाद जब अल्लाह सुबहाना वताला ने उनकी दुआ कबूल की, उस टाइम तक उन्होंने अल्लाह सुबहाना वताला से कोई सवाल नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी मिसाल और मोटिवेशन है हम सब के लिए। आप यकीन करें लोगों के आशिक जिन्नात का मसला किस चीज़ से हल हुआ? दरूद शरीफ और अस्तगफार से। लोगों के बद जिन्नात जो होते हैं, खबीस जिन्नात, वो मसला किस चीज़ से हल हो रहा है? दरूद शरीफ और अस्तगफार से। जादू का मसला किस चीज़ से हल हो रहा है? दरूद शरीफ और अस्तगफार से। और आप यकीन करें कि अगर कोई मुसान के ये कहे ना कि मैं ये जिक्र की कसरत करता हूँ और मेरी दुआ कबूल हो, मैं मान ही नहीं सकती कि दुआ कबूल हो। जब मेरी कबूल हो सकती है तो आपकी कबूल क्यों नहीं हो? जब मैंने दुनिया से कट ऑफ किया और मैंने अल्लाह सुबहाना वताला के लिए मेहनत की, अल्लाह सुबहाना वताला को पाने की कोशिश की और अल्लाह सुबहाना वताला की रज़ा में राज़ी रही, जब अल्लाह सुबहाना वताला मेरी सुन सकते हैं तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? फर्स्ट चेंज योर सेल्फ। आपने खुद को बदलना है, आपने दुनिया को नहीं बदलना। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। कोशिश ज़रूर करनी है लेकिन हम नहीं चेंज कर सकते, पहले आपने खुद को बदलना है। और इस सारे प्रोसेस में ना मुझे एक साल से ऊपर का वक्त लगा ये सारी चीज़ें समझने में, सीखने में। और ये सारी चीज़ें जब मैंने सीख ली, समझ ली, जब मुझे एक एक बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई, तो उसके बाद जो है ना, आज अगर मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, तो अल्लाह सुबहाना वताला की मसलियत है कि वो जिसको चाहे ज़रिया बना दें और जिससे चाहे वो जो काम ले लें। और ये सब सीखने के बाद फिर जब मैंने अमल को पढ़ना शुरू किया, फिर से अपनी लाइफ में वजीफ़ों को करना शुरू किया, तो 100 में से मैं ये कहूँगी कि बस 2-3 वजीफ़े जो हैं वो ही जानवर हैं, वो ही काम करते हैं। और जब भी मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करती हूँ तो पूरी उस पर रिसर्च करती हूँ, उसके बाद ही आप लोग के साथ जो है मैं डिस्कस करती हूँ, जब तक मैं शेयर नहीं करती हूँ। और जो मेरे अपने आजमूदा अमल है मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, और आगे आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें।